प्रथम तहलका न्यूज। विश्व भर में बर्ड फ्लू एक बार फिर से पैर पसारने लगा है और देश में कई जगहों पर हजारों पक्षियों की एक साथ मौत की खबर से राज्य की सरकारें भी अलर्ट हो गई है। लेकिन लगता है कि नीचे तबके का प्रशासन बर्ड फ्लू को लेकर कुछ खास चौकस नहीं है। बात दरअसल ये है कि झज्जर में विदेशों से 80,000 की संख्या में पक्षी मौजूद हैं, लेकिन इनकी निगरानी और सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक भी गार्ड तैनात नहीं है। बता दें कि जिले में एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित भिंडावास झील है, जो कि प्रदेश ही नहीं देश के प्रमुख वेटलैंड में शुमार है। बड़ी बात तो यह है कि किन्हीं हालातों में जब पक्षी घायल हो जाए या फिर उनकी मौत हो जाए तो फिर गार्ड की कमी होने के चलते जिले में बर्ड फ्लू फैलने का खतरा पनपने लगेगा। पक्षियों की देखरेख को लेकर झज्जर से हमारे संवाददाता संजीत खन्ना ने इंस्पेक्टर देवेंद्र हुड्डा से बातचीत की। तो फिलहाल हम खड़े हैं भिंडावास पक्षी विहार में। हर साल यहाँ हजारों की तादाद में यूरोपियन पक्षी आते हैं। फिलहाल भी यहाँ करीब 50,000 से ज़्यादा पक्षी आए हुए हैं। स्वयं हमारे साथ जो इंस्पेक्टर हैं यहाँ, उनसे जानेंगे कि किस तरह के जो कितने महीने से यहाँ पक्षी आए और आप लोग इनकी देख रेख के लिए और झील की पूरी देख रेख के लिए क्या प्रयास करते हैं। देखिए, ये हर सीज़न आते हैं, विंटर सीज़न में आते हैं प्रवासी पक्षी, जो अक्टूबर से मार्च के दौरान आते हैं। और फिलहाल आपने विजिट भी किया, अभी काफ़ी संख्या में आए हैं, 40,000-50,000 के लगभग आए हैं। इसके अलावा यही नहीं है, पूरे जैसे जिले के अंदर मांडूठी वेटलैंड है या डिगल है, वहाँ भी काफ़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आए हैं। और कौन सी प्रजातियों के होते हैं मेन? ये जैसे अभी तो यहाँ आपको देखने में ग्रेले गूज है, मल्लाड है, रेडी शेल्डक है और पिनटेल है, काफ़ी आई पोचार्ड है, लिटिल ग्रेव है और अपने ये बार इडगीज हैं और काफ़ी कॉमडक भी हैं, ठीक है ना, आईबीस भी काफ़ी आई हुई हैं। तो ये वैरायटी काफ़ी है और भी काफ़ी वैरायटी हैं, लेकिन ज़्यादातर इनकी संख्या ज़्यादा है। और इनके प्रोटेक्शन के लिए हमारा स्टाफ निरंतर प्रयास कर रहा है। हालांकि स्टाफ थोड़ी मतलब कह सकते हैं बिल्कुल काफ़ी कम है मेरे पास, क्योंकि इस समय तो स्टाफ और ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि बर्ड फ्लू की भी समस्या है और विदेशी पक्षी हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, देखिए स्टाफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा काम तो देखो रिमाइंडर देना है उच्च अधिकारियों को, ये तो अधिकारियों को देखना है भाई यहाँ स्टाफ के। फिलहाल मेरे पास कोई वाइल्ड लाइफ गार्ड नहीं है, अब जबकि ये सेंचुरी के अलावा मेरे पास पूरा जज जिला है, एक सब इंस्पेक्टर है अपने सतबीर। अब दोनों हम प्रयास करते हैं जगह जगह जहाँ भी ये तालाब हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आए हैं, उनकी देख रेख करें कि कहीं कोई घायल पक्षी मिलता है या कोई किसी की डेथ होती है ना, तो हम उनको तुरंत प्रभाव से एक्शन लेंगे और उनके लोगों को भी आसपास में गांव हैं, गांव के लोग उनको जागरूक करते हैं। बिल्कुल गांव के लोग जागरूक करते हैं और जो भी जहां जहां हम जिस एरिया में जाते हैं वहां के वेटनरी सर्जन हैं उनसे संपर्क करते हैं भाई, अगर उनको भी कोई इस तरह की अगर मृत पक्षी मिलता है विदेशी तो हमें सूचित करें और हम उनके साथ मिलकर उनको सैंपल भेजेंगे ताकि बर्ड फ्लू को लेकर ज़्यादा। हाँ, बर्ड फ्लू के लिए भी सोचते हैं। बाकी हमारे तो रूटीन एक्टिविटी है भाई, कोई सीजन है अब जैसे पक्षियों का है भाई, इनको किसी तरह की कोई आजकल शिकारी कोई इस तरह की कोई वारदात ना कर दें वो भी ध्यान देते हैं। और बर्ड फ्लू का एक अलग से आप बताइए अभी ये तो मांग क्या करते हो स्टाफ की? मांग स्टाफ की मांग तो देखो बहुत जरूरी है जी, यहाँ इतने बड़े एरिया को देखते हुए भिंडावास है, खापड़वास है, पूरा जज जिला, दो स्टाफ है, हाँ तीन गार्ड तो कम से कम चाहिए। अब मेरे पास एक ही है सब इंस्पेक्टर श्री सतबीर सिंह, अब उनको साथ लेके बाकी डीसी रेट पे लगा रखे हैं आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत, अब उनसे वो तो भाई यहीं संभाल सकते हैं ना। बिल्कुल, ये समस्या है यहाँ क्योंकि पक्षी विहार एशिया की सबसे बड़ी झील आप देख सकते हैं, हजारों की तादाद में विदेशी पक्षी यहाँ आते हैं, लेकिन इनकी जो फिलहाल सुरक्षा है तमाम जो सुरक्षाकर्मी वो यहाँ सुरक्षा जरूर कर रहे हैं, लेकिन बड़ी समस्या इस समय जो बर्ड फ्लू की बीमारी चल रही है उससे कहीं ना कहीं पार पाने के लिए यहाँ और स्टाफ की आवश्यकता है। स्वयं ये लोगों को जागरूक जरूर करते हैं लेकिन यहाँ स्टाफ की कमी होने के चलते इस बीमारी का भी खतरा है, तो उम्मीद है सरकार प्रशासन जागे और यहाँ स्टाफ की कमी जो खल रही है उसको तुरंत पूरा करे। बता दें कि इस झील के चारों तरफ 12 गांव लगते हैं जो हर रोज झील में आते जाते रहते हैं। ऐसे में विदेशी पक्षियों के चलते झील और आसपास के गांव में बर्ड फ्लू के फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। प्रथम तहलका के लिए झज्जर से संजीत खन्ना की रिपोर्ट।